32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 5 जून को आए वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले से मुख्तार अंसारी के चेहरे का रंग उड़ गया है। पूरा मामला रिपोर्ट के जरिए समझिए। आपको बता दें कि वाराणसी के लहुराबीर इलाके में अवधेश राय का घर था। अवधेश अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे, उसी वक्त अचानक मारुति वैन से 5 हमलावर पहुंचे। उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन से अवधेश राय पर फायरिंग की। वारदात के बाद अजय राय ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की तो वे अपनी वैन छोड़कर मौके से भाग गए। खून से लथपथ भाई को अजय राय उसी वैन से नजदीकी कबीर चौरा अस्पताल ले गए जिस वैन से हमलावर आए थे। वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि अवधेश राय को 4 गोली लगी थी, जिसके 32 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को अपने गुनाहों की अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाई है। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी सुनवाई के दौरान बांदा जेल में बंद थे, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जैसे ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया, तभी से उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसके चेहरे पर तनाव झलकता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते उसने अपना माथा पकड़ लिया। वकील अनुज यादव ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। फांसी की सजा की उम्मीद थी, लेकिन हम फैसले से संतुष्ट हैं। अगर मुख्तार पक्ष हाईकोर्ट जाएगा तो हम वहां भी इसी दमखम के साथ लड़ेंगे। आजीवन कारावास की सजा हुई है, 1,00,000 जुर्माना हुआ है मुख्तार अंसारी का अवधेश राय हत्याकांड में। जो उसमें बनाए गए थे मुलजिम, उसमें मुख्तार अंसारी थे, अब्दुल कलाम थे, भीम थे, कमलेश थे, राकेश नाइक है। आज मुख्तार अंसारी के मुकदमे में मात्र सजा हुई, ट्रायल उनका ही विचाराधीन था। 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, 20,000 रुपए का जुर्माना उनको 148 के सेक्शन में लगाया गया है। आजीवन कारावास है, क्या वो बाकी जो सजा है उसमें कम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, जो आजीवन कारावास की सजा है उसका मतलब ये होता है टिल डेथ वो अंडर कस्टडी रहेंगे। वो समायोजित होगा नहीं होगा ये हाईकोर्ट तय करेगा। तो क्या ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता अभी साफ है? ऊपरी अदालत में वो जाएंगे, उसमें भी हम लोग जाके वहाँ पर अपने वकील लग के वहाँ पर हम लोग विरोध करेंगे। बहरहाल क्या कहेंगे आप इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज यूपी। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।